इस कीबोर्ड के माध्यम से रोमन रेंज लेके ड्रू मैकेंटायर की पिटाई की जा रही है। अरे यार, ड्रू मैकेंटायर ने पिटाई कर दी। ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब K04 मिनी मल्टीमीडिया यूएसबी वायर्ड कीबोर्ड विद 96 यूवी कोटेड कीज रिव्यू। स्लिम एंड कम्पैक्ट है फॉर पीसी, मैक, लैपटॉप, ठीक है, टैबलेट, किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात इसकी MRP 499, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से लेते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन। अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग रिव्यू एक ही में है, ठीक है। अब ये जो मिनी कीबोर्ड्स होते हैं, इनकी एक खासियत ये होती है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कीज़ घुसाने की कोशिश की गई होती है, ताकि इनका साइज़ तो छोटा रहे, लेकिन समझ जाएंगे ये आप। ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर लिया है, तो प्रोडक्ट दमदार होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। ये है इसकी कागज़ पत्री, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वरना अगर आप बाय कर सकते हैं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। डूज एंड डोंट डूज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये है एक बेसिक सा पॉली दिया है इसकी कवरिंग के लिए। तो ये रहा आपका ज़ेब्रोनिक्स का मिनी कीबोर्ड, ऊपर ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको, ठीक है। ये रहे आपकी कीज़। देखने में आपको लग रहा होगा कि फुल कीबोर्ड है ये, पर जी नहीं, न्यूमेरिक कीपैड आपका मिसिंग है। तो बेसिकली आपके इस कीपैड से आपका काम चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आपको न्यूमेरिक कीपैड की आवश्यकता होती है आपको, इसलिए आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी हाँ, मैं इसमें गेम चला के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे भी छोटा एक मिनी कीपैड अनबॉक्सिंग किया था, ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, उसमें चल गया था एक हैवी गेम जैसे WWE। तो इसको तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चलाने के लिए। ऊपर आपको मल्टीमीडिया कीज़ मिल जाते हैं, जिसमें से सरप्राइजिंगली मैंने आज तक ये वाला की नहीं देखा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे नंबर फर्स्ट जो है कैलकुलेटर, इससे आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। मीडिया, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, ईमेल, ठीक है, सर्च, रिफ्रेश, और साथ ही आपको इसमें मिल जाएगा प्रिंट स्क्रॉल, स्क्रॉल लॉक और पॉज। तो ये रहे आपके 12 मल्टीमीडिया कीज़, जिसको इसने हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और एक और पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, वो है रुपी की। ये रहा आपका रुपी का सिंबल, ठीक है, यूवी कोटेड कीज़ है। ये देखिए साउंड आपको आ रहा होगा। और इनिशियल इम्प्रेशन तो मुझे ये लग रहा है कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी होने वाली है, क्योंकि चीप क्वालिटी के कीज़ नहीं लग रहे हैं। और हाँ, स्पेस बचाने के लिए, जैसे मैं कह रहा था, मिनी कीबोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कीज़ ठूसे जाते हैं, लेकिन साइज़ छोटा रखने के लिए एंटर की को छोटा किया गया है, शिफ्ट को देखिए छोटा किया गया है, और कैप्स लॉक ठीक ठाक है, ये विंडोज़ की को छोटा किया गया है, ठीक है, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सब छोटे किए गए, और हाँ, डायरेक्शन कीज़ छोटे किए गए। तो हल्के फुल्के आपको गेमिंग में थोड़ा सा ये देखिए कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो हल्का फुल्का आपको गेमिंग में दिक्कत आ सकती है, जिसमें डायरेक्शन कीज़ की आपको यूज़ हो, लेकिन मोस्टली WASD से चलता है, तो उसमें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो टाइपिंग, ईमेल, मैसेज, चैटिंग, उसके लिए तो यह बढ़िया है, ठीक है, वर्ड यूज़ करने के लिए। बाकी अभी मैं गेमिंग के लिए इसको कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप से, उसके बाद इसका देखते हैं कि ये गेमिंग सपोर्ट करता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और हाँ, ऊपर के जो मल्टीमीडिया कीज़ है, इनको नाम दिया गया है 12 डेडिकेटेड हॉट कीज़। तो अब फटाफट से देखते हैं कि क्या ये बेस्ट मिनी USB कीबोर्ड अंडर 500, या फिर शॉर्ट में बोला जाए तो बेस्ट मिनी कीबोर्ड अंडर 500 है या नहीं। तो ये लैपटॉप ऑन कर लिया है, ये इसका USB, और ये यहाँ पे होगा कनेक्ट। कनेक्ट हो गया है। ये ज़ेब्रोनिक्स के पास आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जल गई है, ठीक है, कैप्स लॉक, एक और ग्रीन लाइट, और एक होगा स्क्रॉल लॉक।
जी हाँ, तो ठीक है, ये तो इसका वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं साइज़ इसका, ये रहा लैपटॉप का कीबोर्ड, और जनरली लैपटॉप का कीबोर्ड आपके ट्रेडिशनल कीबोर्ड से साइज़ में छोटा होता है, लेकिन ये जो मिनी कीबोर्ड है ये तो आपके लैपटॉप कीबोर्ड से भी छोटा है। अब हाँ, जिस प्राइस में आपको ये मिल रहा है, ये मिनी कीबोर्ड, मतलब मिनी कीबोर्ड अंडर 500 मिल रहा है, तो इस प्राइस में आपको फुल लेंथ कीबोर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अपने यूजेज हैं, उसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड मिल जाएगा जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें आपको ये 12 डेडिकेटेड हॉट कीज़ नहीं मिलते हैं मोस्टली। अपनी अपनी इच्छा है, हैवी गेमर हो आप तो आप फुल लेंथ कीबोर्ड लीजिए, बाकी जनरल पर्पज़ के लिए और बाकी सब कामों के लिए आपके लिए ये कीबोर्ड सही रहेगा। और हाँ, इसमें बैकलाइट फीचर नहीं है, ठीक है, तो बैकलाइट फीचर के लिए आपको या फिर RGB फीचर के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था कि यहाँ पे कैलकुलेटर बटन दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, और मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कैलकुलेटर के लिए एक डेडिकेटेड की दे रखा है, तो क्या कैलकुलेटर खुलता है या नहीं वो चेक करना चाहूँगा मैं। तो ये मैंने प्रेस कर दिया है और जी हाँ, कैलकुलेटर खुल गया है, ये देखिए। तो इसका मतलब काम की चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल है और ईमेल को प्रेस कर लेता हूँ, और ईमेल भी अगर खुल गया तो मज़े आ जाएंगे, और जी हाँ ईमेल भी खुल गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसके एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, मीडिया, और मीडिया क्लिक करने पे खुलता है आपका म्यूज़िक। तो हाँ, 12 डेडिकेटेड हॉट कीज़ तो इसके काम कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी इसमें अगर आप यूज़ करना चाहें, अपनी स्पीड वगैरह देखना चाहें, तो टाइप कीजिए MS वर्ड और जो आपको टाइप करना है कीजिए, ठीक है। ये देखिए खुल गया है, तो मैं कुछ टाइप करके देख लेता हूँ कि कैसा। ना 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 ना। ठीक है, सब्सक्राइब टू अर्शवुड, बेल आइकन को प्रेस करो, अर्शवुड 63 को इंस्टाग्राम पर और अर्शवुड 1 को टेलीग्राम पर फॉलो करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अब मैं इसमें गेम भी चला देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं चैनल के, तो आप जानते ही होंगे कि मैं कुछ भी गेम पैड, कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सब हो तो टेस्टिंग के लिए मैं उन्हें गेम्स में टेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें फटाफट डिफरेंट कीज़ का यूज़ होता है, तो उससे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट में कितना दम है। तो यहाँ पे मैंने WWE 2K चलाया है, मैंने यहाँ पे रेसलिंग करूँगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वैसे दमदार है, स्लिम स्लिम डिज़ाइन है, USB इंटरफेस है, प्लग एंड प्ले है, 1.2 मीटर केबल लेंथ है, ठीक है, और 96 कीज़ मिल जाती हैं, और काफ़ी कम्पैक्ट है, छोटू सा है, ये देखिए मैं गोद पे रख के भी इसको चला सकता हूँ। तो अगर आप एक कम्पैक्ट मिनी कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके चॉइस में हो सकता है, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे थोड़ा सा महायुद्ध इंजॉय कीजिए, मारो 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 मारो। वैसे अभी भी ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंज हुआ था क्लैश एट द कैसल में, और रोमन रेंज ने ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया, तो चलो हम भी हराने की कोशिश करेंगे इस मैच में, ठीक है। चुरुरुरुरु।